हाय दोस्तों, मैं आपके आगे लेकर आ रहा हूँ UKSSSC की ओर से एक और अपडेट जो कि उन्होंने अपडेट करी उनकी अपनी वेबसाइट पे। और ये इनका ये कहना है कि जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में जो उन्होंने बदलाव किए थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सिलेबस को अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पर। तो उसके लिए आप जाके चेक कर सकते हैं ssc.uk.gov.in पे, ये आपको वेबसाइट लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा। और आपको यहाँ जाने के बाद क्या करना है, ये आपके वेबसाइट पर एक पेज खुल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन है, उसके नीचे है सिलेबस अपडेटेड। तो इस पर आपको क्लिक करना है और उस पर आने के बाद जो है आपको जो लेटेस्ट उन्होंने अपडेट किया है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि LT सहायक अध्यापक और जो उनका जो अंकों का विवरण है, आप किस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम है वो अपडेट कर रखा है, और जितनी भी इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर या पिटकुल से LT सहायक से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्होंने सिलेबस अपडेट कर रखा है। फिलहाल मैं भी इस वीडियो में ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, इसके लिए आपको खुद ही वेबसाइट विजिट करनी होगी और आप अपने जो रिलेटेड कोर्स कंटेंट है उसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो और चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से अब एग्ज़ाम सब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 दिन अब रह चुके हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक बार जाके वेबसाइट विज़िट कीजिए और इस सिलेबस को पढ़िए और इसी के अंदर ही आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आपका एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसका मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है। तो इस बार जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कोई अभी पक्का नहीं है कि कैसे वो कराएंगे, लेकिन अब उनके सिलेबस आने से कई सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लेटेस्ट करंट अफेयर्स नहीं है, आपको जो जिस फील्ड के लिए एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसी के लिए ही आपको एग्ज़ाम में बैठना है और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ना ही उत्तराखंड की कोई GK आ रही है इस पर, ना ही कोई करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक इस पर कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम इनका होता है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो एग्ज़ाम्स होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तो मेरी सलाह ये है कि एक बार आप वेबसाइट जरूर विज़िट कीजिए, सिलेबस को चेक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए मेरी ओर से आप लोगों को गुड लक, और आप तरीके से पढ़ाई कीजिए और बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ। Thank you.